नमस्कार, मैं आपका अपना विधायक महेंद्र गोयल। आप जो एक खूबसूरत बिल्डिंग देख रहे हैं, कोई फाइव स्टार होटल नहीं, ये शहीद सुखदेव सिंह कॉलेज की बिल्डिंग है, जिसके अंदर आकर बच्चे उस शिक्षा को ग्रहण करते हैं। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए, ये बरसों बरस से खाली पड़ी थी, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। हम सीएम साहब से मिले, डिप्टी सीएम साहब से मिले और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से मिले। हमने कहा कि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसके लिए हमें फंडिंग की ज़रूरत है। तो उन्होंने तुरंत इस बिल्डिंग के लिए फंड को अलॉट किया और ये खूबसूरत बिल्डिंग आज आपके सामने बनके तैयार है। दो साल से इस बिल्डिंग के अंदर बच्चे अपनी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। आपको सुनकर बड़ा ही अचंभा होगा कि इस बिल्डिंग के अंदर पढ़ने वाले बच्चे, इस कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले बच्चों की जो प्लेसमेंट रेशो आई है वो 84% है। ये दिल्ली के अंदर कहीं पर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ शहीद सुखदेव सिंह कॉलेज की, क्योंकि हम लोगों का प्रयास ये ही रहता है कि देश के बच्चे पढ़ जाएंगे तो देश तरक्की कर जाएगा। प्लेसमेंट्स में हमारा कंसल्टिंग फर्म्स पे अच्छा खासा फोकस रहता है। BCG, बेन, मैकेंजी हमारे रेगुलर रिक्रूटर में से हैं और एडवाइजरी फर्म्स में भी बिग फोर EY, PwC, KPMG, डेलॉयट हमेशा ही प्रोसेस में रहते हैं। 2017 में ये कॉलेज इस बिल्डिंग में 150 करोड़ की लागत से बनाया गया, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो बनाया गया है उसका मैं बहुत आभारी हूँ गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली की। और इस कॉलेज के अंदर हम लोग 3 कोर्सेज प्रेजेंटली रन कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए और 1 कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी एंड डॉ। एक और उपलब्धि इस कॉलेज की ये है कि हमारा एक ही कॉलेज है अंडर ग्रेजुएट नॉन इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसको इंक्यूबेशन सेंटर बनाने के लिए 1.5 करोड़ की फंडिंग गवर्नमेंट ने दी। आप इस बिल्डिंग के अंदर देख रहे होंगे एक खूबसूरत ऑडिटोरियम बना है, इसी बिल्डिंग के अंदर मैंने अपने फंड से जिम भी लगवाई है, इसी बिल्डिंग के अंदर एक खूबसूरत लैब का भी निर्माण किया है जिसके अंदर बच्चे अपने शिक्षा को ग्रहण करते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि हम लोगों पर सभी पर विश्वास बना के रखें, और क्योंकि हम लोगों का एक ही शुरू से धेय रहा है, सीएम साहब का भी और मेरा भी और हमारे डिप्टी सीएम साहब का भी, कि देश के बच्चे पढ़ जाएंगे और देश अपने आप तरक्की कर जाएगा। जय हिंद, जय भारत।